रहमान इब्राहिम अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है ये आपको टॉपिक जो नज़र आ रहा है 5.1 फैक्टराइजेशन, तो जस्ट इसकी आपने एक दफ़ा व्यू कर लेना है। एक्सरसाइज 5.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं ये आपने सारी स्किप कर देनी है, एग्जाम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये आपने सारा टोटली जो है ये स्किप करना है, ये एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बताता चलूँ, इस चैप्टर में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इसलिए इस चैप्टर पे ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसके पहले दो पार्ट्स कर लें, इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका आपने जो है इसके भी लास्ट दो जो पार्ट्स हैं ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपने स्किप करनी है। नेक्स्ट पेज पर आए तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी आपने स्किप करनी है। और उसके बाद जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन का ये केस है जिसमें एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू की टर्म होती है, इसकी आपने एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेनी है। ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसी तरह अब हम डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने जो है ये स्किप कर देनी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर 5.2 के ऊपर। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये स्किप करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको इसका जस्ट आप जो है पार्ट नंबर 4 ये लाजमी करें, बाकी जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 स्पेशली इसके जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं ये आपने लाजमी जो है एज आ लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने स्किप कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास टॉपिक है फाइंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलीनोमियल। तो इसमें आपने जो है हम एक तो आपने फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन जो है ये याद करनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इस जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप जस्ट इसके जो है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है तो इसमें ये जो सेकंड पार्ट है ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपने लाजमी जो है वो एज आ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपने स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट टाइम 3 बोर्ड्स के अंदर ये आ चुका है, तो ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 8 ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपने लाजमी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिकल पॉलीनोमियल, तो इसकी एक्सरसाइज की ही तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी दफ़ा आया लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 10 है 3 है ये भी काफ़ी दफ़ा आया, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। तो आपने इसके टोटल 8 क्वेश्चन हैं, पहले 4 कर लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो लास्ट 4 जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें एमसीक्यू यहाँ पे नहीं दिए हुए लेकिन आपने बुक से सारे एमसीक्यू जो है इस चैप्टर के वो लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर देना है, एमसीक्यू फिल इन ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन
नंबर थ्री की अगर बात करें तो इसमें आपने इसका जो पार्ट नंबर फोर है ये लाजमी करना है, और इसी तरह पार्ट नंबर एट जो है ये लाजमी जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करना है। उसके बाद समरी है, तो चैप्टर आपका एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।